फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन एस के एस नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के बारे में, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड का एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल टाइप व्यू से देखा जाए तो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसके द्वारा एक हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है जिसको कहा जाता है PTH या पैराथायरॉइड हार्मोन। ये इस हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन रहता है कि ये हार्मोन जो बोन्स का कैल्शियम है, ये हार्मोन जो बोन का कैल्शियम है, उस कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करवाने का काम करता है। बोन कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करवाने का काम करता है, मीन्स कह सकते हैं कि ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन कई बार अबनॉर्मली अगर इस पैराथायरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा, बोन कैल्शियम को एक्सेस रूप में रिलीज करवाने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, बोन्स का कैल्शियम लेवल घट जाएगा और ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। मीन्स कंडीशन डेवलप होगी कि बोन का कैल्शियम लेवल कम होने के कारण बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ने के कारण केलकुलाई या किडनी के अंदर स्टोन डेवलप हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कॉज्ड बाय हाइपर सेक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसका नॉर्मल लेवल रहता है 10-65 पिकोग्राम पर डेसीलीटर, रिजल्टिंग इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, जिस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोकैल्शेमिया, एंड डिक्रीज्ड ब्लड फॉस्फोरस लेवल, क्योंकि कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो ब्लड का फॉस्फोरस लेवल कम हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोफॉस्फेटेमिया। देन क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय बोन डीकैल्सिफिकेशन। जब बोन का कैल्शियम लेवल कम होगा तो बोन का डीकैल्सिफिकेशन होगा और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगा, जबकि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ने के कारण रीनल केलकुलाई डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। देन ये डिजीज 2-4 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल्स होती है। देन मोस्टली ऑक्यूरिंग बिटवीन 60-70 ईयर्स ऑफ एज, 60-70 साल की एज के बीच होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ अदर डिजीज के कारण भी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म डेवलप हो जाता है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। मीन्स ये कंडीशन होती है ड्यू टू क्रोनिक रीनल फेलियर। जब क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप हो जाए तो उससे क्या होगा, फॉस्फोरस रिटेंशन होगी ब्लड के अंदर, फॉस्फोरस बढ़ने लगेगा, और नेगेटिव फीडबैक के रूप में ये बढ़ा हुआ फॉस्फोरस लेवल पैराथायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करवाने के लिए। और इसके रिजल्ट से क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ पैराथायरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, और जिसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉइडिज्म डेवलप हो जाएगा, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। देन बात करें हम इसकी इटियोलॉजी की, तो इसका एक ही इटियोलॉजिकल कोज रहता है। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए तो वो ट्यूमर फॉर्मेशन पैराथायरॉइड हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन करवाएगा। देन इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, मीन्स हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। इसके अलावा कैल्शियम के अगेनेस्ट होता है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का लेवल कम हो रहा है, मीन्स हाइपोफॉस्फेटेमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। देन हम पढ़ते हैं कि कैल्शियम मसल्स मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो इंटेस्टाइनल मसल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से GI डिस्टर्बेंस, देन कार्डियक डिसरिथमिया, क्योंकि कार्डियक मसल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी कैल्शियम असेंशियल होता है, और जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो ये कार्डियक मसल्स की अबनॉर्मल मूवमेंट करवाता है या नॉर्मल से ज़्यादा मूवमेंट करवाता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक डिसरिथमिया। इसके साथ नोजिया एंड वोमिटिंग,
देन बोन का कैल्शियम लेवल कम होने के कारण बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, देन एनोरेक्सिया, फटीग एंड मसल्स वीकनेस, इसके साथ ही रीनल स्टोन का डेवलपमेंट हो जाना हाइपर कैल्शियमिया के कारण। देन बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं है इसके लिए। डिटेल्ड हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशंस, इसके अलावा सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल डिटरमाइंस किया जाता है, जिसकी नॉर्मल रेंज रहती है, सीरम कैल्शियम लेवल रहता है 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड सीरम फॉस्फोरस लेवल की नॉर्मल रेंज रहती है 2 to 5 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा रीनल फेलियर को असेस करने के लिए पेशेंट का इनपुट और आउटपुट लेवल मॉनिटर किया जाता है। देन बात करें हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को दिया जाता है डायूरेटिक्स, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करेंगे, जैसे कि फ्रूसेमाइड। इसके अलावा कैल्सिटोनिन दिया जाता है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम करता है। मीन्स जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो अपने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर थायराइड ग्लैंड, वन और मोर थायराइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव किया जाता है, जिसको कहा जाता है पैराथायरॉयडेक्टमी। इट इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और मोर थायराइड ग्लैंड्स। दिस प्रोसीजर इज यूज टू रिमूव प्राइमरी ट्यूमर्स और हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड्स। अगर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर है तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोसीजर यूज किया जाता है, स्पेशली वेन द प्रोड्यूस एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन। और ये भी उस कंडीशन में किया जाता है जब वो ट्यूमर पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन करवाती है। देन सर्जिकल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस है जिनको हमेशा माइंड में रखा जाता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट इंटरवेंशन, मॉनिटर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर किया जाता है, और कभी भी इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाए इसके लिए पेशेंट के बेड साइड में हमेशा ट्रकियोस्टमी सेट, ऑक्सीजन एंड सक्शन मशीन को तैयार रखा जाता है। देन पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए उसको सेमी फाउलर पोजिशन दी जाती है, साथ ही हाइपोकैल्शियमिया को कंटिन्यूस असेस किया जाता है, और हाइपोकैल्शियमिया को असेस करने के लिए पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज एंड फेस की मसल्स में टिंगलिंग सेंसेशन को मॉनिटर किया जाता है। अगर फेस की मसल्स और एक्सट्रीमिटीज के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है हाइपोकैल्शियमिया को। इसके अलावा टेटनी के साइन को भी असेस किया जाता है, टेटनी के दो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं, टोर्सियो साइन एंड चेवोस्टेक साइन। चेवोस्टेक साइन में क्या होता है कि जब चीक की मसल को पेशेंट की चीक की या गाल की मसल्स को हैंड से टेप किया जाता है या उसकी टेपिंग की जाती है तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेंगे, वो होता है चेवोस्टेक साइन। और टोर्सियो साइन के अंदर जब पेशेंट की आर्म के अंदर बीपी इंस्ट्रूमेंट के कप को बांध कर प्रेशर पुट डाउन किया जाता है तो जो फिंगर्स है या हैंड्स की मसल है उनके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, जिसको कहा जाता है चेवोस्टेक साइन। तो ये दोनों टेटनी के साइन हैं, इनको भी असेस किया जाता है। देन पैराथायराइड ग्लैंड का कॉम्प्लिकेशन है कि लेरिंजल नर्व डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, तो इसको असेस किया जाता है, और ये असेस होती है अगर लेरिंजल नर्व डैमेज हो रही है तो पेशेंट के अंदर एक तो देखने को मिलेगा अपने को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्पेजिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी डिजीज कंडीशन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है।